दोस्तों, लड्डू गोपाल का ये सिंहासन नेट पे अवेलेबल है और हम खरीद कर ले भी आते हैं, पर हम इसे घर पे कैसे बनाएं? आइए जानते हैं। सबसे पहले आइडिया के लिए एक रफ ड्राइंग कर लें और ड्राइंग के हिसाब से थर्मोकोल और कार्डबोर्ड के शीट को काट लें। ज़्यादा मजबूती के लिए आप MDF बोर्ड या फिर लकड़ी के ढांचे का या स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइज हमने तकरीबन 7 इंच रखा है। अब दोस्तों, हम वॉल पुट्टी से डो बनाएंगे। वॉल पुट्टी क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ता है और किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से अवेलेबल है। दोस्तों, पुट्टी से डो बनाने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ देखकर अच्छी तरह डो बनाना सीख सकते हैं। इस डो से हम पतले पतले शीट्स बनाएंगे और केवल पानी की सहायता से थर्मोकोल के ऊपर चिपका लेंगे और इसे केवल पानी की सहायता से स्मूथ करना है। पूरे थर्मोकोल को आप कवर करें और जो आपने बाकी के पार्ट्स कट किए थे उन्हें भी कवर करें और केवल पानी की सहायता से स्मूथ करें। ठीक इसी तरह जो कार्डबोर्ड का जो कट है उसके डिज़ाइंस को भी इसी तरह कवर करके निकालें, तो ये आसानी से कट जाएगा बिल्कुल मक्खन की तरह। और इसे भी पानी से स्मूथ करें और इसे सूखने दें। दोस्तों, ये सूख गया है तो जो बाकी की डिटेलिंग है वो करते हैं। कमल की पंखुड़ी के आकार का शेप बना ले और पूरे शेप पे बनाकर केवल पानी की सहायता से चिपका ले और इसे भी आप बिल्कुल सूखने दें अच्छे तरीके से। दोस्तों, वॉल पुट्टी के 1 इंच के करीब हाइट की सिलेंडर बना के मैंने सुखा लिया था। इसी सिलेंडर पे हम मशरूम के आकार की डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारा सिंहासन का पाया का काम करेगा, तो इसे भी हम सूखने देते हैं। जब तक वो हमारा सूखता है तब तक हम बाकी की डिटेलिंग कर लेते हैं सिंहासन के ऊपर। तो हमें यहाँ पे पीकॉक बनाना है, तो पीकॉक की डिटेलिंग धीरे धीरे करते चले जाएंगे। दोस्तों, इसमें हमेशा लेयर वाइज काम करते हैं। एक लेयर सूख जाता है तो दूसरे पे काम करते हैं, तभी हमें हार्ड बेस मिल पाता है। दोस्तों, अगर डो अच्छा बना है तो उसमें कभी भी क्रैक्स नहीं आते। लेयर का सूखना उसकी मोटाई के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरीके से केवल ब्रश के हैंडल की सहायता से ही आप इसे शेप दे सकते हैं। इसे कम्प्लीटली सूखने दें। तो ये सूख गया है, अब बाकी की तैयारी करते हैं। इसे हम सैंड पेपर से स्मूथ करेंगे। ये जो सैंड पेपर है इसका नंबर नोट कर लें। ये वॉल पुट्टी पे बहुत अच्छा काम करता है और ये बेहद सस्ता किसी भी हार्डवेयर की दुकान में आपको मिल जाएगा। अब डस्ट की सफाई कर लें ड्राई ब्रश से और पूरे स्ट्रक्चर पर जो हमने बनाया था, जो सूख चुका है, उस पे मनपसंद ड्राइंग कर ले पेंसिल से, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्ट हो। दोस्तों, अब दूध की थैली से हम कोन बनाएंगे। पहला फोल्ड करें और अंदर की तरफ एक सेलो टेप चिपका दें इस तरीके से, और फिर पूरे शेप को मोड़ते चले जाएं, फोल्ड करते जाएं, तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा कोन तैयार हो जाएगा। आगे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल नुकीला होना चाहिए और अब हम इस पे एक टेप लगा देंगे, चारों तरफ लपेट देंगे। दोस्तों, ये मार्बल पाउडर है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो दिल्ली के दुकान का एड्रेस मैं डाल दूंगा। इसी में हम फेविकॉल मिलाकर बिल्कुल जैसे मेहंदी का पेस्ट होता है वैसा बना लेंगे। और जो हमने कोन बनाया है उसमें हम भर देंगे। ये ऊपर तक नहीं भरना, बस आधा ही भरना है। और फिर हम इस तरीके से इसे हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से मोड़ते हुए सेलो टेप से अच्छी तरह चिपका लेंगे। तो ये हमारा कोन बनकर तैयार हो गया।
इसके फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं कैची से आगे का हिस्सा काट कर। आपके पास मार्बल पाउडर ना हो तो ये 3D आउटलाइनर ले सकते हैं। ये किसी भी स्टेशनरी दुकान में 25 से 30 रुपये में आसानी से मिल जाता है और ये वही काम करता है जो मार्बल पाउडर करता है। इस कोन की सहायता से डिटेलिंग कर लें बिल्कुल सावधानी से। दोस्तों, YouTube पे मेरे बहुत सारे लो कॉस्ट क्राफ्ट सीख सकते हैं, या चाहे तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जो नई दिल्ली द्वारका सेक्टर 7 के पास अवेलेबल है। 5 से 6 क्लास में आप बेसिक सीख जाएंगे जो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा, और एक बार आप बेसिक सीख जाएंगे तो बाद में किसी भी क्ले से काम कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो हमारी जो डिटेलिंग कंप्लीट हो गई है, इसे हम एक बार रख कर देख लेते हैं कंपोजिशन बनाकर, ये बिल्कुल ठीक है और इस पे हम आगे का काम करते हैं। तो कलरिंग शुरू करते हैं। ये कलर दोस्तों एक्रेलिक कलर्स हैं। मुझे थोड़ा एंटिक लुक दिखाना था तो मैंने ब्लैक से कर लिया। आप चाहें तो अपने मनपसंद कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीकॉक दिखाने के लिए ब्लू कलर। इसे अच्छी तरीके से सूखने दें। दोस्तों, अब हम सिल्वर कलर लेंगे। सिल्वर कलर से स्पंज पे कलर लगाएं और जो आपने ब्लैक कलर किया है उस डिज़ाइंस को निकालें, तो ये आराम से निकल जाएगा। 2 कोट करें और पीकॉक के ऊपर भी ठीक इसी तरीके से डिज़ाइंस को निकाल लें। ये दोस्तों स्टोन्स हैं, तो जहाँ जहाँ आपको जगह मिले वहाँ वहाँ चिपका लें। फिर सेंटर की कलरिंग करते हैं। मनपसंद कलर लें और सेंटर में कलर करें। जो साइड के पैनल हैं उसे हम वॉल पुट्टी के गाढ़े घोल से चिपका लेंगे, और इसे हम कम से कम 2-3 घंटे तक सूखने देंगे, बिल्कुल हार्ड होने देंगे। ठीक, हमारा जो बैक पैनल है उसके नीचे हम अच्छी मात्रा में वॉल पुट्टी का गाढ़ा घोल लगाएंगे, और इसे भी हम बिल्कुल सेंटर में रखकर और चिपका लेंगे। किसी भी भारी चीज़ से सहारा देंगे और कम से कम 6-7 घंटे के लिए छोड़ देंगे, अच्छी तरह सूखने देंगे। दोस्तों, पाए के ऊपर पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट लगा लें और सिंहासन को ऐसी जगह रखें थोड़े से ऊंची जगह पे, ताकि पाए को आप आसानी से चिपका सकें। तो जो चारों कोने पे आप पाए को चिपका लें और इसे 6-7 घंटे के लिए अच्छी तरह सूखने दें। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल का सिंहासन तैयार है। आप भी तैयार हो जाएं कृष्णा को सिंहासन पे स्थापित करने के लिए। कृष्णा ही क्यों, आपके जो भी इष्ट देव हैं उन्हें स्थापित कर सकते हैं। मुझे पता है क्राफ्ट बनाते वक्त आप सब कुछ भूल जाते हैं, क्राफ्ट के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। यही वो वक्त है जब हम ईश्वर के बिल्कुल करीब होते हैं, क्राफ्ट करते हुए अपनी साधना में लीन होते हैं। कोई आवाज़ दे तो हमें सुनाई भी नहीं पड़ता। कहते हैं ईश्वर हमेशा आपके आसपास ही होते हैं। अगर ये सच है तो आपके हाथों से बनाया हुआ सिंहासन जरूर स्वीकार करेंगे, आपकी मेहनत और सेवा भाव को जरूर आशीर्वाद देंगे। पर आपका आशीर्वाद भी तो मेरे लिए ज़रूरी है। आपका सहयोग, आपका प्यार ही मुझे नए क्राफ्ट, नए बजट क्राफ्ट के लिए प्रेरित करता है। प्यार बनाए रखें, इस वीडियो को खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए वो आप सबसे पहले देख सके। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।